चंबसवा स्कूल ऑफ नर्सिंग, मेन रोड सबल पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम अपोजिट बीके 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर अशोक नरहरे आज उदगीर से एक खास रिपोर्ट लेकर आया हूं। 30 सितंबर 2024 सोमवार को उदगीर में जन सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा ने उद्यगिरी कॉलेज से प्रारंभ होकर अणा भाऊ साठे चौक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक, नगर परिषद, बसवेश्वर चौक और श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज चौक का दौरा किया। इस अवसर पर विभिन्न स्थलों पर फूलों की माला अर्पित की गई। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, क्रीड़ा मंत्री संजय जी बनसोड़े और रहमतपुर के आमदार बाबा साहेब पाटिल सहित कई मान्यवर मौजूद थे। इस यात्रा के दौरान अजित दादा पवार को अनेक महिलाओं ने राखियां बांधी और उन्होंने महिलाओं पर फूलों की वर्षा की। संजय जी बनसोड़े ने उदगीर जिले के विकास के लिए कई प्रस्ताव पेश किए, जिसमें मेडिकल कॉलेज की मांग भी शामिल थी। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने भी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि अजित दादा पवार ने लाड़ के बहन योजना को जारी रखने का वचन दिया। इसके साथ ही अजित दादा पवार ने लोगों से बिजली बिल न भरने का आह्वान किया और महायुति के लिए मतदान की अपील की। उन्होंने भारत के संविधान में किसी भी परिवर्तन के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई। यह यात्रा जिले के विकास और सामाजिक एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। हम आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे सभी बीके 9 देखने वाले दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं रिपोर्टर अशोक नरहरे आज उदगीर में 30 सितंबर 2024 में जन सम्मान यात्रा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे जी, महाराष्ट्र के क्रीडा मंत्री संजय बनसोड़े जी, आज उदगीर में महाजन सम्मान यात्रा निकल उदगीरी कॉलेज से निकलकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक और श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज चौक आकर श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर अपने पुष्पों अपने वर्षों के लिए और जिला परिषद मैदान पे ऊपर आकर श्री धनंजय मुंडे जी ने भाषण किया और श्री संजय बनसोड़े जी ने भाषण किए और आखिर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी ने भाषण किए। और ये कार्यक्रम में उदगीर नगरी में जल सैलाब बहुत था। नमस्कार। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिले।